अरे बेटा आपने शरबत नहीं लिया बेटा? इतनी बढ़ाई तो हमारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं करी होगी जितनी आप अकेले ही। अच्छा ये तो कैप्टन अमेरिका जब से देखी है ना तब से कप कपी कर रखी है लॉन्डन ने। हम इंडिया में देखेंगे तो लड़का एटलीस्ट ऋतिक जैसा तो होना ही चाहिए ना। आप दोनों चाहो तो बात कर लो। खामखा क्यों है फाका। नमस्कार दोस्तों, मैं मानस भूषण। अभी आपने जो ये शॉर्ट मूवी का ट्रेलर देखा, इस मूवी का नाम है बिट्टू और ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी काफ़ी काबिलियत रखती है, ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अपनी एक ख़ास परेशानी, एक ख़ास बीमारी के कारण उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाएं को वो रोकती है। अब वो उस परेशानी से कैसे लड़ती है, उसके इर्द गिर्द उसका संघर्ष, उसके फैमिली का संघर्ष, उसकी माँ का संघर्ष, यही इस पूरी शॉर्ट फिल्म में दर्शाया गया है या बताने की कोशिश की गई है। तो इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवांग शुक्ला, जो इस फिल्म शॉर्ट फिल्म के निर्देशक हैं, राइटर हैं, या इस पूरी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, शायद प्रोड्यूसर भी हैं। तो इसमें ये और इनके दो तीन दोस्त मिलके इस पिक्चर को बनाया है। बताओ कि इस पूरी फिल्म की कहानी क्या है, मतलब। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मतलब मुझे मौका और इस काबिल समझा कि मैं ऐसे यहाँ पर आ सकूं और फिल्म के बारे में बता सकूं। तो अब ऐसा है कि ये फिल्म वही, जैसे आपने काफ़ी कुछ तो बता ही दिया कि ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एकेडमी के लिए अच्छी है, अच्छे मतलब सब तरीके से बढ़िया है, व्यवहार वगैरह से, और फैमिली मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है कि एक जयपुर के किसी ओल्ड शहर में, या फिर आप किसी का भी कोई ओल्ड शहर ले लो, और पर ये जयपुर के ओल्ड सिटी साइड में, ब्रह्मपुरी साइड में शूट करी गई है, और ये वहाँ की फैमिली की कहानी है, मिडिल क्लास फैमिली की, जो कि अब मतलब इस लड़की के साथ सब चीज़ें बढ़िया हैं, बट इसके साथ एक दिक्कत है कि हकलाती है, और इस कारण अब इसकी जैसे शादी में दिक्कत आ रही है और इसके पूरी लाइफ में दिक्कत आती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके इतनी टफ है। ये एक बहुत ही हल्के मोड में बताई गई है, और कैसे सिर्फ यही नहीं, इसकी फैमिली कैसे इन सब चीज़ों को लेकर सफ़र करती है, तो जो कि कई बार अपन लोग मिस कर जाते हैं कि कभी कोई दिक्कत होती है किसी के साथ तो सिर्फ वही सफ़र नहीं कर रहा होता, उसकी फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही होती है। तो ये फिल्म उसके इर्द गिर्द है, बेसिकली माँ और बेटी की कहानी, और बहुत ही लाइट मोड में बताई गई है, और इसको बिल्कुल आप लोग अगर देखें, नाटक पिक्चर्स करके एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर है ये बिट्टू नाम से। और ये फिल्म अभी एक फेस्टिवल में भी थी, शॉर्टेड फिल्म फेस्टिवल, उसमें 3000 मतलब मूवी ऑफ द मंथ, उसमें ऐसा होता है कि मूवी ऑफ द डे, मूवी ऑफ द मंथ और मूवी ऑफ द ईयर चुना जाता है, तो ये मूवी ऑफ द डे एंड मूवी ऑफ द मंथ भी बनी थी, और मूवी ऑफ द ईयर के लिए फाइनलिस्ट में आई थी, जिसमें से मतलब 3000 में से 9 फिल्में फाइनलिस्ट हुई थी, और जिसमें से एक ये थी, जिसमें से और भी फिल्में थी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी, जैसे नसरुद्दीन शाह की एक फिल्म थी खिड़की, एक दिया मिर्जा की फिल्म थी ग्रे करके, और मतलब उसके बीच एक्चुअल में इसका मौका मिला, ये बड़ी बात है मेरे लिए कि मुझे पता नहीं था इतनी आगे तक जा पाएगी फिल्म, बट समाओ चली गई, और वो ये कि काफ़ी अच्छे फिल्म मेकिंग जैसे एक टीम वर्क ही होता है, तो मैं किस्मत वाला था कि मेरे साथ अच्छी टीम थी, जो कि जयपुर में जितने अच्छे लोग थे वो सारे मेरे साथ काम करा उन्होंने इस फिल्म में, और उन सब की बदौलत ये फिल्म समाओ वर्क कर गई। तो बस बाकी तो आप फिल्म देखिए तो पता पड़ेगा। और अच्छा, आप अभी आपने बोला कि ये जैसे एक प्रॉब्लम को बहुत डार्क साइड में नहीं दिखाया गया है, बहुत लाइट मोड में दिखाया गया है, तो ये कह सकते हैं सटायर के रूप में, सटायर के रूप में नहीं आती है ये एक वैसे वे में जाती है, अगर मैं इसको एक एक्सप्रेशन बताऊं तो जैसे कभी कभी लाइफ में बहुत बुरा भी चल रहा होता है, पर कभी कभार अपन लोग हंसते हुए बता देते हैं वो चीज़ बहुत लाइट मूड में बता देते हैं, तो ये इमोशनल भी जाती है फिल्म में, ऐसे नहीं है कि एकदम हंसती खेलती रहती है, बट ये ओवरऑल बहुत लाइट मूवी है, और अगर इमोशनल भी जाती है तो ये मतलब बहुत सॉफ्ट इमोशनल तरीके से जाती है, ये ऐसे नहीं कि बहुत डार्क और रोना धोना मचा हुआ है, ये बेसिकली बहुत खुशी खुशी रियलिटी एक्सेप्ट करना है, और लव कैसा, सेल्फ लव कितना ज़रूरी है, और सेल्फ लव कैसे
कितना नेचुरल होता है जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना, एक समझदारी के साथ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो, तो सेल्फ लव कितना ज़्यादा नेचुरल होता है। तो इस मूवी में मैंने वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करी है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दिखा भी है वो सटल तरीके से। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है ये फिल्म, पर लाइट मूड पे आपको इमोशनल भी कर देती है ये अच्छे तरीके से। तो इस टाइप की मूवी है ये। मूवी या इस कैरेक्टर या इस सब्जेक्ट को लेने का पीछे आप लोगों का प्रोसेस करा है, मतलब या कोई कैरेक्टर था जिससे आप लोग इंस्पायर हो, या कोई रियलिटी में आपके आसपास आपके रिश्तेदार आपके दोस्त या आपके और समाज में आपने देखा हो, या एक ऐसे ही आपने फिक्शन क्रिएट कैसे किया, मतलब ये पूरा कैरेक्टर? ये क्रिएट ऐसे हुआ कि मतलब जो लिखते हैं वो ये बात समझेंगे कि कभी कभार आप क्या कहानियाँ लिखते हो और अधूरी छूट जाती हैं कुछ कहानियाँ, आप लिख नहीं पाते पूरी, या कुछ आइडिया नहीं आता, या जो भी कह लो राइटर्स ब्लॉक कह लो उसको। जैसे बहुत सारी कहानियाँ अगर वो जो लिखते हैं उनकी छूटी हुई होती हैं, तो ये उनमें से एक छूटी हुई थी कि अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो शुरू का जो पूरा सीक्वेंस है, एक मोनोलॉग वाला सीक्वेंस आता है, मैंने बस उतना लिखा था, उसके आगे मेरे को सूझ नहीं रहा था कुछ, तो ये लिखा हुआ छूटा हुआ था एक, तो ये एक अलग बात हो गई। अब दूसरी बात ये थी कि मैं फिल्म देख रहा था, तो मैंने फिल्म देखी थी यूट्यूब पे, शॉर्ट फिल्म है स्टटर रन नाम से, फिल्म है काफ़ी अच्छी फिल्म है, तो मुझे उससे थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिली थी इस फिल्म को लेके। और फिर मेरे को भी वो भी इसके ऊपर ही है कि एक बंदा है जो कि हकलाता है, और उसकी कहानी बहुत अलग है, तो हॉलीवुड फिल्म है और वो बहुत ही अलग कहानी है। पर मेरे को इससे ये चीज़ अचानक से फील हुई कि स्ट्राइक करी कि मेरी भी ज़िंदगी में कुछ लोग थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे क्लासमेट ही था एक, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, फिर मेरे एक बाद में बैचमेट आया, तो मेरे को समहाउ ये कनेक्ट करते हुए फिल्म दिखी। तो जो पहला जो लिखा हुआ पूरा सीक्वेंस था, मुझे लगा कि कौन वो ड्रीम सीक्वेंस है, और ये अब वापस यहाँ पर देखते हैं। दूसरा जो इस फिल्म में जो लड़की है भानुप्रिया, तो वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है, काफ़ी सालों से काम कर रही है। अब उसने क्या है बाल कटवा रखे थे उसके, वैसे काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, तो मैंने तो उसका लेने का एक मेन रीज़न ये भी था कि मेरे को उसका टेक्सचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और उसने बाल कटवा रखे थे, तो मुझे लग रहा था यार बाल अभी इंडी लेवल बाल कटा हुआ एक लड़की मिलना एक बहुत अच्छा एलिमेंट हो सकता है। हालांकि इस फिल्म में मैंने सोचा था यूज़ करूँ कि उसके बाल भी छोटे छोटे हैं, एक मिडिल क्लास ओल्ड फैमिली से बिलोंग करती है वो, तो इसका भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डालूँ मैं, पर वो खैर उसके जो हकलाने वाली दिक्कत थी वो इतनी ओवरवेलमिंग बन गई कि ये मेरे को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, तो मैंने उसको इसलिए लिया, और उसने काफ़ी अच्छा भी काम किया। तो फिर मैंने वो उसको इमेजिन करके थोड़ा बहुत, अब लिखते जाते हो तो बनता जाता है चीज़, सिनेरियो बनता चला जाता है बनता चला जाता है। फिर मैंने एक और सिचुएशन सोची क्यों ना उसका ड्रीम सीक्वेंस हो, रियलिटी हो कि वो लड़के वाले देखने आए हैं और वो शादी में बैठ, मतलब लड़का वाले देखने आए हैं और वहाँ बैठी हुई है। फिर मैंने सोचा कि अगर वो ठीक है थोड़ी बहुत टॉक्स लग दी, अब वो लोग लड़का लड़की बात करने जाते हैं कमरे में तो वो लोग क्या बात करेंगे, तो मेरे को लगा कि क्यों ना यार हकलाती हो लड़की, अब तक तो ये मेंशन नहीं किया है मैंने हकलाने वाला सीन। और फिर जैसे ही वो एलिमेंट डाला तो फिर स्टोरी बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया अपने भी, कि मतलब एक मेरे को वो स्टिमुलस मिल गया बहुत अच्छा। फिर मेरे सारे वही ओल्ड मेमोरीज जो थी, मेरे फ्रेंड जो थे एक दो क्लासमेट वो थे, वो सब चीज़ें मेरे कहीं ना कहीं ट्रिगर कर गई, और वो लिखता गया तो बनता गया काम लिखने पर ही, मतलब वो आप प्रोसेस के दौरान ही पता पड़ता है आपको, कहानी बतानी स्टार्ट कर देती है आपको एक टाइम के बाद कि अभी हो सकता है, अब वो हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है, तो यही है मतलब। कहीं ना कहीं से आपने रियल लाइफ कैरेक्टर ही इंस्पायर है इस स्टोरी के पीछे ना? हाँ मतलब हाँ कोई भी कहानी होती है वो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी की इर्द गिर्द ही होती है। अब रियलिटी दो तरीके की होती है, एक रियलिटी जो अपने आसपास घट रही होती है, और एक ये रियलिटी जो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल करण जौहर का सिनेमा, तो ये आपकी फैंटेसी वर्ल्ड को ट्रिगर करता है। जैसे मैं हाँ छोटा था मुझे भी लगता था यार वो कभी खुशी कभी गम आई थी उसमें, ऋतिक रोशन कॉलेज में जाता है गाड़ी लेके, तो मुझे भी लगता था यार बनाऊंगा तो यार मैं ऐसा कुछ होगा, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर वो आपकी फैंटेसी वर्ल्ड को जो ट्रिगर किया वो आपके फैंटेसी वर्ल्ड की रियलिटी है वो। तो वो कोई भी कहानी होती है वो कनेक्ट तभी करती है जब आपकी रियलिटी से आपको हिट करती है, और वो रियलिटी वही दो तरीके की बता रहा था मैं, एक तो अपने आस पास घटती है गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप, और वो लगता है कि यार ये करेक्टर्स तो हैं मेरे गाँव में या ऐसी जगहों पर, करण जौहर वाली मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं लार्जर देन लाइफ इमेज, वो आपकी फैंटेसी वर्ल्ड की रियलिटी होती है। तो वही कहानी कहीं ना कहीं रियलिटी से तो हिट करती है, तभी वो कनेक्टिंग लगती है, तभी आपको अंदर वो
अगर वो कनेक्टिंग नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं वो आपके रियलिटी से दूर ही है वो कहानी। अभी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो बस वो ये कि ये मतलब कुछ कुछ रियल करेक्टर्स भी थे, कुछ कुछ फिक्शन भी डाला मैंने। जैसे शुरू में पूरा ड्रीम वर्ल्ड ही चल रहा है उसका, वो किसी रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट वो कहानी कहने का अंदाज था वैसे। तो वही था मतलब रियलिटी और फिक्शन वर्ल्ड का मेल ही होता है, बट तो रियलिटी होनी चाहिए मतलब तभी वो कनेक्ट करती है कहानी, ऐसा मतलब मेरा मानना है। इसे एक सवाल है, मतलब अभी जो बात में आया है कि खासकर ये फिक्शन मूवीज और ये हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज को लेके अभी डिबेट एक बहुत पहले से रही है कि जो फिल्म है या फिल्म मेकिंग का जो पूरा आर्ट है वो दो तरह से है। एक जिसको हम पैरेलल सिनेमा भी बोलते हैं, जो रियलिटी के एकदम करीब होता है, सोसाइटी में समाज में जो भी तरह की रियलिटी होती है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी बात करता है। एक सबका ऐसा है जो कहता है कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, जैसे खासकर करण जौहर का मैं एग्जांपल लिया, वो लार्जर लाइफ दिखाएगा, हर चीज को बहुत अलग तरह से दिखाएगा, फिक्शन को भी अलग लेवल पे ले जाएगा। जैसे उसमें हीरो होगा तो हीरो को डिफरेंट डिफरेंट करके वो सात आठ जिलों में को मार देगा। तो एक अलग बॉलीवुड की जो एक अलग छवि है और एक जो सिनेमा की हमारी पूरी छवि है। तो जैसे आप इसमें क्या सोचते हो कि फिल्म या फिल्म मेकिंग वास्तव में क्या है, कि वो लार्जर देन लाइफ ही होना चाहिए या वो रियलिटी के करीब होना चाहिए? उसमें ऑब्वियसली फिक्शन तो होगा ही, नहीं तो वो आर्ट ही नहीं रह जाएगा अगर फिक्शन नहीं होगा तो। पर वो फिक्शन रियलिटी के करीब हो या एकदम ही वो सोसाइटी से कटा हुआ हो? यार इसमें तो मतलब सिनेमा ना एक बड़ी अच्छी लाइन है, सिनेमा समाज का दर्पण होता। अब जैसे अब मैं इसको ऐसे एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूंगा कि मुझे याद है मेरे पापा जब अभी तो रिटायर हो गए पर जैसे जॉब करके आते थे तो उनको ना वो देखना होता था कि गोविंदा की फिल्म आ रही है, साउथ की फिल्म आ रही है, तो वो जो ऐसे देखते रहते थे बस उसको। अब मैं उनको उस टाइम सत्यजीत रे की फिल्म दिखाऊं तो वो यही बोलेंगे, या फिर एनडीटीवी दिखाऊं तो ये बोलेंगे अरे यार हटा यार, क्योंकि वो इतनी ज्ञान की बात अभी नहीं करनी मेरे को, या इतनी रियलिटी अभी नहीं देखनी मेरे को। तो इसीलिए जो साउथ मतलब तो ज्यादातर तबका, अब ये क्या है कि ये ऑडियंस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे बंगाली लोग हैं वो काफी सालों से उनके बहुत अच्छे अच्छे सिनेमाज हैं, तो वहां पर इतने लिटरेचर मतलब इतने लिटरेट लोग भी हैं कि वो उस चीज को देख पा रहे हैं। वहीं पर एंटरटेनमेंट वाले लोग भी हैं। अब एंड जो लोग सुबह से रात तक नौकरी कर कर आ रहा है, अब वो इंसान को मैं एकदम रियलिटी और वो नहीं दिखा सकता। फिल्में दोनों ही हैं, मैं किसी ऐसे को नहीं कहूँगा कि वो फिल्म है ये सिनेमा नहीं है, सिनेमा तो दोनों ही है और डिमांड है तो सप्लाई है। अब एंटरटेनमेंट की डिमांड है तो सप्लाई भी देते ही हैं लोग पर और सप्लाई डिमांड बात बात पे बदलती रहती है, मतलब हर युग के साथ वो चीज़ बदलती है। लाइक पहले अगर आपको याद हो तो पहले गाने कितने लंबे लंबे होते थे फिल्मों में, 5-6 गाने आते थे, आजकल उतने नहीं आते हैं कि लोगों के पास पेशेंस नहीं बचा है। और वो सही भी है क्योंकि पहले ऑप्शंस भी बहुत कम थे तो आपको देखने ही पड़ते थे, वही मेन स्ट्रीम, वही 4-5 हीरो, वही 4-5 डायरेक्टर्स, वही सब चीज़ें, वही 3-4 तरह की कहानियाँ रिपीट हो गए दिखा देते हैं। आजकल ऑप्शंस बहुत सारे आ गए इंटरनेट की बदौलत, तो अब उससे भी कम्पीट करना है। तो एंटरटेनमेंट भी अपना में बहुत बड़ी वो है, ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट इजी जॉब है, ऐसे सिनेमाज दिखाना कोई बहुत इजी जॉब है, तो वो उसकी भी मेरे पर्सनली तो बहुत रेस्पेक्ट है। और वो भी दूसरा भी क्योंकि उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि आर्ट सिनेमा या फिर एक तभी वास्तविक वाला सिनेमा उस टाइम भी नहीं था, उस टाइम नहीं था। सत्यजीत रे उसी टाइम का है बंदा है, जब ऐसी धर्मेंद्र की पिक्चर आती थी, यादव की बारात आती थी, तो एक बार आप उनकी पिक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये यादव की बारात वगैरह तो यार कि क्या चल रहा है, मतलब वही वैसी फीलिंग आती है जैसे मेरे फादर या मेरे फादर के लोग अंकल्स वगैरह एज के, तो बोलते हैं आजकल क्या चलता रहता है, कुछ भी चल रहा है आजकल, तो कुछ भी कोई भी हीरो बन जाता है, कुछ भी चल रहा है। मैंने जब वो सिनेमा देखा गुरुदत्त का सत्यजीत रे का, तो मुझे भी वैसी फीलिंग आई उस टाइम के जैसे इन सिनेमाज को देखकर, ये वाले जो यादव की बारात टाइप सिनेमाज को देखकर, मैंने क्या चल रहा है, वो तो कुछ भी कर रहे हैं लोग। तो वो तो वही है कि आपकी मेंटल ऑडियंस जैसी मेंटल स्टेट में है वो वाला सिनेमा चलता है, जहाँ पर लिटरेट ऑडियंस है जो कि इतनी थकी हुई नहीं है नौकरी और ऐसे कामों से जो उनको करना नहीं है, तो वो लोग अपने मनपसंद का और जो गहरा उतरने की कोशिश करते हैं।
चीजों के अंदर तथ्य तक जाने की कोशिश करता है। सिनेमा के रूप में देख लो और ये चीज हर जगह काम करती है। अब सिनेमा के रूप में देख लो, पेंटिंग्स के रूप में देख लो, न्यूज के रूप में देख लो, कि एक तबका अगर वो ऑफिस से थका रहा है वो एनडीटीवी नहीं देखेगा, वो चलाएगा यार वो चलाओ यार अपना कौन सा है वो नेशन मॉनसून हो या 24/7 या इंडिया वो जो भी है, मतलब भूल गया उसका नाम। तो ऐसे मैं चैनल्स देखना चाहेगा वो, आपको तथ्य तक जाने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना थका हुआ आ रहा है। तो उसके लिए सिनेमाज वो वाले अच्छे लगेंगे उसको, जैसे अभी जवान आई थी, वॉर पिक्चर है या फाइटर आ रही है पिक्चर, या एनिमल आई है, उनको ऐसी लार्जर देन लाइफ और बहुत स्टिमुलस ओरिएंटेड चीज़ें देखना पसंद आता है उनको उस टाइम। साउथ की पिक्चर है, साउथ में ऐसी पिक्चरें क्यों बनती हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर ऑडियंस, ज़्यादातर जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं। साउथ के आप लोग देखोगे वो ज़्यादातर नौकरी करते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली आप इंसान थका हुआ आएगा वो एकदम गहरी, और रीमा दास नहीं देखना बैठ जाएगा वो, रीमा दास की पिक्चर है उसको, फिर वही चाहिए यार कि वो जैसे ऊपर चिपटाइप हो जाए या कुछ ऐसे शिवाजी द बॉस हो जाए। तो क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाना चाहता ना, वो एंटरटेन होना चाहता है, तो वो भी अपने जगह सही है, वो ये डिमांड है तो सप्लाई है। और ये मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिनेमा में ही है, मतलब हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि एक कमर्शियल एंगल होता है, एक कमर्शियल दुनिया अलग चल रही होती है और एक आर्ट और जो गहरी दुनिया वो अलग चल रही होती है। और जो लोग के पास टाइम है और इसमें इन्वॉल्व है वो धीरे धीरे इससे हटकर इधर जाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं, पर जिनको दिमाग नहीं लगाना उनके लिए ये बढ़िया है और वो भी सही बात है। मतलब मैं कहीं ना कहीं घुसा हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, शाहरुख की पिक्चरें देखकर ही घुसा हूँ मैं भी, तो मैं भी कमर्शियल एंगल देखकर ही आर्ट की तरफ घुसा हूँ, मैं डायरेक्ट आर्ट की तरफ नहीं घुसा। तो अट्रैक्ट करने के लिए भी सही है, मतलब दोनों ही चीज़ें सही हैं, वो डिमांड सप्लाई वाले गेम है। तो मतलब एंटरटेनमेंट तो चलो होना चाहिए, पर वो एंटरटेनमेंट भी क्या रियलिटी के ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए? जैसे अब जो बॉलीवुड में जिस तरह की मूवीज आ रही है कुछ सालों में, वो एक दौर था जब वो 90s का खासकर, जैसे ये सलमान खान, शाहरुख खान या ये अक्षय कुमार, ये इस जो जनरेशन के सारे हीरो थे हमारे, वो सारा लार्जर देन लाइफ ही दिखाते थे। अब जो जैसे बहुत सी मूवीज आ रही है, जैसे राजकुमार राव की मूवी हो गई, या जैसे बरेली की बर्फी है, या इस तरह की, और जो सोसाइटी मतलब छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे माँ की कहानियों को कनेक्ट कर पा रही है, उसमें हीरो कोई लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो अब एक मजाक का पात्र ज्यादा है वहाँ, वो खुद का मजाक ज्यादा उड़वा रहा है, तो वो रियलिटी के ज्यादा करीब है। हालांकि देखने के उससे तो वो भी कमर्शियल सिनेमा है, तो क्या ऐसी मूवीज का स्कोप अभी बड़ा है क्या, जो क्या वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही हो पर वो रियलिटी के या सोसाइटी की सच्चाई के ज्यादा करीब हो? हाँ, या फिर इस तरह का सिनेमा है जो सिर्फ वो करण जौहर का सिनेमा है, जो वहाँ हर चीज लार्जर देन लाइफ है, बाकी आबादी से उसका कोई कनेक्ट नहीं है, पर वो चल रहा है, वो भी चल रहा है। हाँ, वो ये कि जैसे क्या? वो स्पेस ऐसे भी आया कि मतलब जैसे लार्जर देन लाइफ की ना डेफिनेशन ही बदली है आपको हर दौर में। फॉर एग्जांपल आप अगर एकदम ही 80s की पिक्चर देखोगे तो जैसे डॉन मूवी में आप मुंबई को भी कैसे दिखाते थे, जैसे कोई फॉरन में पहुंच गया हो, वो पैट्रिक बंदा आ रहा है उसको ले रहा है, ये रिसीव करने आ रहा है, तो हमेशा ऐसे दिखाते थे कि यार मुंबई तो मतलब फॉरन वर्ल्ड हो गया, क्योंकि पहले इतनी वो नहीं थी। ऑब्वियसली मुंबई का फॉरन वर्ल्ड दिखा सकते थे ज़्यादातर ऑडियंस की नज़र में, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस मुंबई नहीं जा पाती। अब तो ऑडियंस फॉरेन भी जा सकती है, तो उस टाइम पे फॉरेन, फिर मुंबई धीरे धीरे थोड़ी सी डाइल्यूट हुई, तो फिर फॉरेन को ऐसा दिखाया कि वहाँ तो खुशियाँ खुशियाँ, इवनिंग इन पेरिस और ये सब चीजें दिखाते थे वो। हाँ, हर गाना ग्लोबल है, वो बाहर शूट हो रहा है गोविंदा का। हाँ एग्जैक्टली, दूसरा गाना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो क्योंकि वो चीज लार्जर देन लाइफ थी। अब क्या है, इंटरनेट की और ग्लोबलाइजेशन की बदौलत अब सब लोग जानते हैं कि चलो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। पहले आप फैंटेसी वर्ल्ड के साथ खेल सकते थे इन सब चीजों को यूज करके, क्योंकि क्योंकि आप जानते नहीं थे उस बारे में, तो जब जानते नहीं है तो सामने वाले जो बता रहा है अपने को मानना पड़ेगा जब आप उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो। पर अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट के कारण इतनी डाइल्यूट हो गई ना चीज़ें कि आपको पता है अब ऐसा तो नहीं होता है यार चलो, तो इसीलिए जो लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में आप देखोगे तो इतनी चल नहीं पाती, कि उसमें भी जैसे करण जौहर की अभी मैंने हालांकि देखी नहीं फिल्म, बट मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी थोड़ा बहुत सुनने में आया, मैंने जितना भी उसकी क्लिपिंग देखी हैं उसमें उन लोगों ने भली से जोक्स ऐसे डाला है कि जो कि बहुत कॉमन जोक्स और हंसी आ जाए ऐसी वाले। पर अब अगर किसी गरीब का घर वैसे बड़ा सा दिखाया उसमें जो कि दिखाया,
तो वो हजम नहीं होता ना, क्योंकि आपको पता है यार ऐसा तो नहीं होता यार, चलो कम ऑन, बड़े शहरों में भी ऐसा नहीं होता, तो वो डाइल्यूट हो गया ना। तो अब फैंटेसी वर्ल्ड की तो के मायने भी तो बदला है लोगों की नॉलेज के हिसाब से। अब जैसे हीरोइज्म, आपने सही बात करी है कि अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइज्म लास्ट, शायद हीरो ऋतिक रोशन ही है लास्ट जो हीरोइज्म वाला कैरी करता है, बाकी सारे अब एक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। अब हीरो वो नहीं पड़ रही है, अब ऐसा नहीं है कि अब नया शाहरुख खान बन रहा है वो अलग ही स्टाइल में आ रहा है, वो हर पिक्चर वैसी स्टाइल में ही कर रहा है, वो सब मेरे ख्याल से दौर अब जा चुका है शायद, जैसे मुझे लगता है अब हीरोइज्म वाला दौर क्या जा चुका है, क्योंकि अपने को हजम हो गया ना कि ऐसा नहीं होता है यार, ये ज्यादा हो गया या ओवरडू भी हो जाता है कभी कभार चीज़ों का। तो अब अपने को रियल कैरेक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, राजकुमार और आयुष्मान खुराना ये लोग जब रियल एक्टिंग करते हैं तो मजा आता है, पर हीरो एक्टिंग में ये पछ नहीं पाते, अब उसके लिए शाहरुख खान ही देंगे, मतलब जो पुराने हीरोइज्म कैरी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक ऑब्वियसली फैन बेस ही बन चुका है, एक क्या बोलता हूँ उसे, एक लिंक बन चुका है कि यार अपने को भी एक्सपेक्टेशन होती है ना यार, कि पहले के लोग तो उसमें खुश होते थे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन शावा शावा कर रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है अपने को, पर अब वैसा नहीं है ना, क्योंकि अब अपने को पता है कि ऐसा नहीं होता यार, चलो कम ऑन, अब ऐसा नहीं है कि प्लेन में उतरा हेलीकॉप्टर में बैठ गया फिर घर इतना बड़ा दिखा रहे हैं तो सेलिब्रेशन चल रहे हैं बड़े बड़े, पहले वो लार्जर देन लाइफ अपने को लगता था कि क्या पता ऐसा होता होगा सबकॉन्शियसली, अमीरों के साथ ऐसा होता ही होगा क्या पता, अब अपने को पता ऐसा नहीं होता क्योंकि वो डिस्टेंस भी तो मिटा है अपने को, मतलब आप कौन सी एक बार क्लब हाउस आया था उसमें आप लिटरली सेलिब्रिटी लोगों से बात कर सकते हो, अब वो डिस्टेंस भी तो मिटा है बहुत सारा, तो अपने को बहुत सारी चीज़ें पता है कि ऐसी नहीं होती, तो इसलिए वो कनेक्ट भी करनी बंद कर देती है अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से। तो मतलब वो ये कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही, डिमांड मतलब ऑडियंस जैसे जैसे वो होनी स्टार्ट हो रही है, अवेयर होनी स्टार्ट हो रही है, तो उस हिसाब से डिमांड बढ़नी बदलनी स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही, तो वही हो रहा है, यही रीज़न है कि पहले लार्ज एंड लाइफ बहुत अच्छा चल जाता था, वो ये मैं जब बचपन में छोटा था कभी 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 खुशी कभी कम देखकर सोच सकता था कि यार कॉलेज में यार ऐसी लाइफ होगी यार, तो आजकल के बच्चे को पता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल भी है, दुनिया भर की चीज़ें सामने हैं इंटरनेट पे, तो उनको पता है कॉलेज में ऐसा तो नहीं होता, पर मेरे को क्या पता था यार, मैं तो बच्चा था उस टाइम, तो इनोसेंट था और भी ज़्यादा, कुछ ग्लोबलाइजेशन कुछ था ही नहीं, तो ऐसा लगता था यार ऐसा होगा यार सही यार, आगे की लाइफ बड़ी होगी अपनी ऐसी फरारी में जाएंगे, तो वो ये कि मतलब इन शॉर्ट नॉलेज से क्या है फैंटेसी वर्ल्ड रियलिटी के करीब आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो अलग तरीके की फैंटेसीज बननी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए अब लार्ज देने वाला लाइफ इमेज थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो गई है, होती तो अभी भी है क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो कि जैसे वॉर जैसी फिल्में होती हैं, फिर टाइगर श्रॉफ की पिक्चर आती है या क्या सुपर बोल है, हाँ ये आप अगर उनकी साइड में देखोगे ऑटो रिक्शा वाले को देखो उसको तो मजा आएगा ना वो देखकर कि क्या सुपर कूल है हम या एनिमल टाइप की पिक्चरें देखकर, तो वो बहुत बड़ा तबका है अभी भी ऐसा, तो मतलब वही है कि जैसे ऐसे चीज़ें चल रही हैं मतलब बदलते हैं लोग, डिमांड से बदलनी स्टार्ट होती है, तो उस तरह से कहानियां भी बदलनी स्टार्ट हो जाती हैं अपने आप। ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपके नेट के आने से या खासकर सोशल मीडिया के आने से आपकी ऑप्शन और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, अब वो हम आप सिर्फ बॉलीवुड की मूवी पे डिपेंडेंट नहीं हो एंटरटेनमेंट के लिए, अब आपके पास फोन है, नेट है, आप कुछ भी देख सकते हो, आप कुछ बस है। सही है, तो सही है, उस तरह से वो ऑडियंस हमारी डिवाइड हो चुकी है, सबके अपने अपने वो है, अपने अपने आपका जो भी टेस्ट है, हाँ बस आप उसके अकॉर्डिंग चुन सकते हो बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात भी है मेरे ख्याल से कि आपके अपने अपने टेस्ट है, तो इसी कारण मेरे जैसे लोग बना पा रहे थे, वरना पहले तो मेन स्ट्रीम में होता था सब तो चार मुंबई जाओ तभी कुछ हो पाएगा, वरना अब तो क्या मैं यहाँ पे बैठे बैठे फिल्म बना रहा हूँ, तो इस बात का तो मतलब फायदा ही है, तो कहते हैं कि आजकल का गोल्डन पीरियड ही चल रहा है सिनेमा का, कि जब एक ऐसा बंदा भी पिक्चर बना सकता है, वरना पहले तो रील वाले कैमरे होते थे, बहुत महंगा होता था, बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था, शॉर्ट गया तो गया, रील कट गई तो फट गई, अब ऐसा नहीं है कि वापस आप रीटेक ले सकते हो, बट वो अगेन वापस रील लगेगी आपको, आजकल तो क्या है कैमरे में डिजिटली डिलीट कर दो पुराने वाले क्लिप को, तो ये सब चीज़ें के फायदे भी हुए हैं बहुत सारे, तो मतलब मैं तो इसी तरीके से देखता हूँ इस सब चीज़ों को,
मतलब ऑडियंस ग्रो हो रही है सिनेमा की, कह सकते हैं। हाँ हाँ मतलब ग्रो बदल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आर्ट मूवीज के भी अब ऑडियंस है, पर वो पहले भी थी, पर पहले ऑप्शंस नहीं थे उनके पास उसको उस तक पहुंचने के। सत्यजीत रे तो पहले भी था, लोग तो पहले भी थे बनाते थे जो पिक्चर है, गुरुदत्त भी पहले बनाता था उस जमाने में, बट लोग के पास ऑप्शंस नहीं थे उस तक रीच करने के। मेरे ख्याल से लोग तो तब भी थे देखने वाले, पर ऑप्शंस नहीं होते थे उनके पास रीच करने के। आजकल ऑप्शंस है तो पता पड़ती हैं चीज़ें कि लोग तो हैं जो देखते हैं ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है लोग तो हमेशा से थे, अब ऑप्शन थोड़े से विकसित हो गए तो मोनोपोली टूट गया मतलब इन शॉर्ट। वो मोनोपोली हर चीज में टूटी है, वो एंटरटेनमेंट हो गया, मीडिया हो गया, जर्नलिज्म हो गया, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सोशल मीडिया के आने से। बस भाई बस भैया, अरे इसमें एक सवाल ये भी है, एक बार तिग्मांशु धूलिया का मैं कुछ इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला था कि सत्यजीत रे की मूवी कितने लोग देखते हैं अगर आप देखो तो, सही जैसा तुमने भी बोला कि उसमें एक खास तबका है जो थोड़ा उस चीज को समझता है, मतलब आर्ट मूवी को समझने के लिए आपके पास एक सेंस चाहिए है उस चीज को कंज्यूम करने के लिए, तो वो सही एक है। थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तबका है जो उस चीज को पसंद करता है, पर सामान्य जनता में वो कितनी चलती है, तो चलती हैं तो शाहरुख खान और गोविंदा की चलती हैं, तो आपको मतलब आर्ट मूवियों को भी इस तरह से बनाना पड़ेगा उसमें भी थोड़ा सा वो एंटरटेनमेंट का पर्पज हो और आप उसमें एक मैसेज भी कन्वे कर पाए, तो ये चेंज क्या तुम देख रहे हो क्या, जैसे खासकर तुम्हारी मूवी जैसे तुमने कहा कि तुमने एक इस तरह के सब्जेक्ट को लिया लेकिन वो बहुत डार्क रियलिटी के साथ मूवी नहीं जाती है, वो बहुत लाइट बेस पे मूवी चलती है, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, मतलब वो झिलाएगी नहीं एक नए यूथ को, तो सही ये है। चेंज भी आ रहा है कि सत्यजीत रे और इस तरह की या श्याम बेनेगल की मूवियों में वो बहुत ज्यादा सीरियस सीरियस टाइप का और उसमें बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल तब देख पाता था एक सामान्य और खासकर यूथ वो उसको नहीं देख पाता था, अब एक कॉमन यूथ भी उसको देख रहा है क्योंकि वो उस तरह से बहुत ज्यादा डार्क मोड में नहीं है वो लाइट मोड में, हाँ तो ये मतलब खासकर अच्छा जैसे सवाल नए है जो फिल्म मेकर वैसे। है वो कर पा रहे हैं क्या इस तरह के। नहीं ये अच्छा सवाल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो जिसको जैसी बनानी होती है ना, आजकल हर टाइप की ऑडियंस है, तो जो डार्क मूवीज आज भी बहुत बनती हैं और बहुत अच्छे अच्छे बनती हैं, तो अब वो ये कि अगर आपको, हाँ अगर आपके मन में ये लालच है कि आपको ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुँचानी है ये चीज़, जो कि रहता ही है ऑब्वियसली, पर उस एंटरटेनमेंट से मतलब एक अच्छा डायरेक्टर मेरे ख्याल से वो ही सोचता है कि है ना, अगर इस एंटरटेनमेंट से मेरी फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मैं बिल्कुल एंटरटेनमेंट डालो ताकि ज़्यादातर लोग तक पहुँचे, पर अगर उससे प्रभाव पड़ रहा है तो अच्छे डायरेक्टर आज भी नहीं डालते मेरे ख्याल से वो उसको वैसे ही ओरिजिनल ही रखता है वो चीज़, तो वो अपने फिल्म के साथ खिलवाड़ तो नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, बट ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिपेंडेंट लोग तो इतना नहीं खिलवाड़ करते हैं, बट ऑब्वियसली जहाँ पर प्रोडक्शन इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि उसको भी फिल्म बेचनी है, वो पैसा ऑब्वियसली आपका सपना पूरे करने के लिए नहीं लगा रहा है, वो पैसा वापस से पैसा बनाने के लिए लगा रहा है, तो अगर उसका भी वो चीज़ पूरी करनी पड़ती है तो कभी कभार एंटरटेनमेंट का यूज़ आ जाता है। पर अभी भी ऐसी पिक्चर हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिल्म देखती, मंटो फिल्म देखी थी, उसमें मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कुछ एंटरटेनिंग कुछ बहुत है, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, बहुत बड़ी फिल्म थी और बढ़िया फिल्म थी मतलब, पर उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ बहुत ज़्यादा जिस्ट है उसमें वो लिटरली एक उसके मंटो के हिसाब से मतलब वो कैसे देखता है कहानी को। इनफैक्ट आप बड़ी बड़ी फिल्में देख लो ना, ओपनहाइमर देख लो आप, उसमें मुझे लगता नहीं एंटरटेनमेंट का कुछ बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें बड़े करेक्टर्स यूज किए गए हैं और ओपनहाइमर के नजरिए से पूरी पिक्चर दिखाई गई है और बहुत डिटेल तरीके से दिखाई गई है, तो ऐसे लोग हैं जो कि कर रहे हैं वैसे भी काम बिना एंटरटेनमेंट को प्रायोरिटाइज करके। हाँ ये है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे इसलिए बड़े करेक्टर्स को यूज कर लेते हैं, मतलब बड़े एक्टर्स को यूज करते हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे, और पर अच्छी फिल्म है ना भले डार्क हो या वो अच्छी लग जाती है, बट हाँ एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये बात भी सही है, क्योंकि वही उनको भी थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, पर मैंने ऐसे देखा है कि जो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं ना
इम्तियाज अली जैसे लोग भी होते हैं जो एंटरटेनमेंट सिनेमा भी की भी वो चीज़ पूरी करते हैं, बट साथ साथ एक ऐसी पिक्चर भी बना लेते हैं जो कि बहुत ही प्योर आर्टिस्टिक वे में चलती है वो पिक्चर, तो वो अपने मन का भी पूरा करते रहते हैं जैसे एक्टर्स करते हैं। कि जैसे मैं किसका परेश रावल का इंटरव्यू देख रहा था कि अगर आप ये जो एक्टिंग करते थे वो उससे आपका एक्टिंग का वो कीड़ा पूरा हो जाता है क्या, तो वो कहते हैं वो मैं थिएटर से पूरा करता हूँ। तो थिएटर करते तो ऐसे हैं लोग जो कि ऑब्वियसली पुराने आपको बहुत मार्केट में सारे बने, इंटरव्यू भी हाँ हैं ओम पुरी के, नसीरुद्दीन शाह के। हाँ मार्केट में बने रहने के लिए आपको एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली प्रोड्यूसर को तो पैसा वापस देना है आपको, बट वैसी पिक्चरें भी चलती हैं पैरेलल जो आपने कहा ना वो भी चलती हैं, मतलब अगर आपने सही में अच्छी बनाई है तो चलेगी, लोग देखेंगे, आजकल तो देखते हैं लोग, तबका है मतलब ऐसा भी एक जो कि ऐसी पिक्चर भी है, मूवी जैसे मूवी जो एक वो नया हुआ है OTT, उसमें सारी पिक्चरें ऐसी हैं और वो तो शायद नेटफ्लिक्स से भी महंगा है और लोग भर ले भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वैसा तबका नहीं है, तो एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल तो होता है ऑब्वियसली बात है जब प्रोड्यूसर को पैसा तो मुझे देना लगता है उसमें पड़ता कुछ है। गलत भी नहीं है। हाँ कुछ गलत नहीं है, हाँ एंटरटेनमेंट मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपकी पिक्चर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप कमर्शियल पर्पज से प्योर कमर्शियल पर्पज से बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एंटरटेनमेंट भर भर के डालना पड़ेगा, टाइगर श्रॉफ उठाना पड़ेगा, दिशा पाटनी उठानी पड़ेगी, आइटम नंबर डालने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपको अपने आर्ट जिंदा रखते हुए बनाना है तो आपको वो बीच में भी खेल सकते हो आप। जोया अख्तर बहुत अच्छे से खेलती है, जैसे मतलब मेरे को बड़ी अच्छी डायरेक्टर लगती है जोया अख्तर, जैसे उसकी दिल धड़कने दो जैसी पिक्चर है, बहुत सेंसेबल मूवीज भी है, बहुत कमर्शियल एंगल भी इतना गजब का है उसमें, पर हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता वो चीज़, तो कई लोग एकदम उसमें भी पहुंच जाते हैं, एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही हटा देते हैं फिल्म से, पर वो भी अच्छी बनाता है अपने वे में। तो वो तो डिमांड के ऊपर है कि आपकी ज़रूरत है क्या नहीं है, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो तो मैं कोई एंटरटेनमेंट अगर मैं रिमूव कर सकता हूँ तो मैं क्यों ना करूँ फिल्म को जिंदा रखने के लिए, पर अगर नहीं है मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट डालना पड़ रहा है थोड़े लाइफ को अच्छे ग्रो करने के लिए, तो ऑब्वियसली मेरे को भी डालना पड़ेगा, बट वो ये है आफ्टर ऑल पिक्चर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, बात तो ये होती है, तरीका तो यही होता है, पिक्चर का वो क्वालिटी इफेक्ट ना करे तब तक सही सब सही है, पर तो जैसे क्वालिटी इफेक्ट करने लग जाती है वैसे ही फिर आपको ऑब्वियसली बात है फिर ये सब चीज़ें आप बात ही इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट की वजह से क्वालिटी इफेक्ट करती है। टाइगर श्रॉफ जैसे कितनी पिक्चर आई है बहुत ही बकवास पिक्चर है, तो वो ही है कि मतलब क्वालिटी इफेक्ट तो हुई है उसमें एंटरटेनमेंट की वजह से, तो ये है मतलब पिक्चर के लिए क्या सही है। इनफैक्ट अच्छा, एक बॉलीवुड पे बात चल रही है तो थोड़ा सा वो चलता हुआ टॉपिक भी उठा लेते हैं। 2-3 सालों से ये नेपोटिज्म पे बहुत बातें हुई है, बस बहुत उसमें फूहड़ बहसें भी हुई हैं। हाँ तो इस सवाल को मैं इस तरह से जोड़ता हूँ कि अभी तुमने बोला जैसे कि सोशल मीडिया के और नेट के आने से आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है और मेन स्ट्रीम सिनेमा की मोनोपोली टूटी है। अब मतलब वो सिर्फ बॉम्बे पे जाके प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने पे ही डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना अलग से भी कुछ करके कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है तो वो कर सकता है ना। सही तो ये जो नेपोटिज्म की बहस है, अब भी क्या वो इतनी रेलिवेंट रह जाती है जब सोशल मीडिया का इतना विस्तार हो गया, जब आपके पास एक और ऑप्शन है, जब आप सिर्फ बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े बड़े डायरेक्टरों पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो इसको क्या क्या लगता है सवाल तुम्हें, यार या ये सिर्फ। नेपोटिज्म तो, हाँ मुझे हाँ लगता है नेपोटिज्म तो हर फील्ड में होता है, वो बस क्योंकि ये फील्ड बहुत विजिबल फील्ड है इसलिए इसमें दिखता है नेपोटिज्म, और इसमें स्टेक्स बहुत हाई भी होते हैं, तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर था उसका पुराने कॉन्टैक्ट्स काम नहीं आते उसके, तो लॉयर का बेटा लॉयर बनता है तो उसके पुराने कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस काम आती हैं, उसकी क्लाइंट्स उसके काम आते हैं पुराने उसके बच्चे के, तो वो तो सब जगह होता है, पर मुझे अच्छी बात ये लगती है मतलब वही ब्लैसिंग एंड कर्स दोनों चीज़ें जो होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कि ये बहुत हार्डकोर इंडस्ट्री है, मतलब इसमें लिटरली आप करोड़ों रुपए की पिक्चर बनी होंगी मल्टीपल करोड़ की, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी आप स्किप मार देंगे उसको, पर वहीं पर ही जैसे ये भुवन बाम जो था इसकी यूट्यूब वीडियोस बहुत चली थी, और मुझे ध्यान है कि उसी टाइम पे यशराज की एक वो आई थी सीरीज आई थी वेब सीरीज यूट्यूब पर ही, ये मल्टीपल करोड़ में गई है,
फिर भी मोबाइल बाम के व्यूज उससे ज्यादा थे। तो ये तो है कि यहाँ पर जो अगर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो, लोग एंटरटेन कर पा रहे हो, तो आप चल जाओगे भले से आप स्टार किड्स के साथ। ये है कि उनको ऑब्वियसली मौका मिल जाता है। अभी वो आर चीज आई थी जया अख्तर की, उसमें सारे इतनी बड़ी फिल्म और इतनी मतलब हाईली प्रोड्यूस फिल्म, हाईली मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी थी उसमें, स्टोरी को जोड़ के मतलब। पर उसमें कमाल मतलब उसमें वो ये कि आपको उस मौके मिल जाते हैं बस आपको, ये है कि फ़ायदा तो इसमें है। बाकी ऑब्वियसली अगर आप एंटरटेन नहीं करोगे तो आप फ्लॉप हो ही जाओ। कितने सारे नोबल किड्स फ्लॉप हो गए हैं क्योंकि आफ्टर ऑल तो अपने बेटे को। हाँ हाँ वही है, वही तो ऑडियंस चलाती है ना आपके। आप एक्टिंग तो उसी को करनी पड़ेगी। अब मतलब जो भी किड होगा उसी को एक्टिंग तो उसी को करनी पड़ेगी ना। तो अगर वो नहीं कर पा रहा, वो प्रेजेंट दे नहीं पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली फ्लॉप हो जाएगा। तो ये हार्डकोर तो है इंडस्ट्री का भी है, तो और ये सबके लिए है। पर नेबो किड्स का ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रिविलेज मिल जाता है, आपको ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको अच्छा सेटअप मिल जाता है, आपको डायरेक्टर्स मिल जाते हैं बड़े बड़े, आपको सीखने के लिए भी बड़े बड़े सेट्स मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि इंडी लेवल से सीखना पड़ रहा है। तो ये तो है मतलब, बट वो ये कि ऑब्वियसली अब चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं, बस ये डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है अच्छे चांसेस मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात भी है, सबको नहीं मिल पाता। तो यही है मतलब, मैं बुरा तो नहीं मानता हूँ उसकी, रियलिटी है, लाइफ इज नॉट फेयर। हाँ, पर उस रूप में नहीं है जिस तरह से बहस अभी मीडिया में चलाई जाती है। मतलब वो तो सब जगह होगा। हाँ, वो तो वही है कि जय शाह तक भी है, अगर शेर बच्चन चलेगा जय शाह तक भी वो है। पर वही है कि जो चीज़ ट्रिगर करती है मीडिया, तो वही चीज़ चलाती है जो लोग देखते हैं, डिमांड है, और वो उसी चीज़ को ज़्यादा हमारे डिमांड एंड सप्लाई का ही मामला है। हाँ, हवा देने लग जाती है उस चीज़ को, उनको मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है देखने में सब चीज़ें। आपको जज करने का बैठे बैठे टीवी देखते रहते आपको जज करने का मौका मिल जाता है बड़े बड़े चीज़ों पर, तो उन लोगों को मजा आता है उसमें। तो बस इसलिए चल जाती है सब चीज़ें। पर इसका मुझे लगता है कि तो सब जगह ही होता है, मतलब आप चाहो ना चाहो, अरे होता ही रहेगा, आपके साथ भी होगा। ऐसे नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे, आपको मौका मिलेगा अपने बेटे को आगे बढ़ने का, आप करोगे। और सही बात भी, आपने 21 साल मेहनत करी, आप वो अगर आपके बच्चे काम में आएगी मुझसे आएगी, तो ये है मतलब। अच्छा, सोशल मीडिया पे अभी तुमने बोला जैसे भुवन बाम और इस तरह के जो ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये नया जो फेज आया है, एक तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो पुरानी जनरेशन है ये सोशल मीडिया के इस पूरे स्पेक्ट्रम को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाती? तो जैसे अब जैसे मैं मेरे पिता फादर का बताओ, वो नहीं समझ पाते ब्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉग से कैसे वो कमा लेते हैं इतना, या जो कंटेंट क्रिएटर हैं या जो रील बना रहे हैं, तो उनको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उनको लगता है क्या करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं। पिताजी तो खैर इतना नहीं, वो तो खैर समझते हैं, पर बहुत सारे वो मानते नहीं है कि वो कुछ काम है, और उनको ये नहीं पता वो कितना उससे अर्न कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। सही। दूसरा इसी में सवाल ये है कि सोशल मीडिया के आने से आपके ऑप्शन और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, और बहुत सारे क्रिएटिव तरह का जो काम है वो होने लगा है। जैसे अब आपको सिर्फ जैसे अपने पहले बोला कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तक सीमित रहने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें ये सब्जेक्ट लगा तो तुमने थोड़ा सा मेहनत करके बना दिया और उसको यूट्यूब पे डाल दिया, इस तरह के ऑप्शन बहुत सारे बने। पर एक तरफ ये भी है कि सोशल मीडिया के आने से बहुत सारा जिसको हम तथा सो कॉल्ड फूवड़पन कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के नाम पे वो ही घिसा पिटा कि जितने भी वाइन वाइन और ये सब बनते हैं, जैसे ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो बनाते हैं ये सब, वो घिसे पिटे सब्जेक्टों पे ही, वो बॉलीवुड का वो लार्जर देन लाइफ का छोटा रूप वहाँ सोशल मीडिया पे दिखता है। सही है, तो लगता है कि इसमें है वो दोनों चीजें हुई है साथ साथ, एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है पर वो बहुत ज्यादा वो भी बना है। हाँ, वो तो उसमें एक सवाल उसमें एक ये भी है पॉइंट कि उसमें आप अगर आर्ट के हिसाब से देखो या क्रिएटिविटी के हिसाब से देखो तो वो एकदम जीरो है। मतलब उसमें एक्टिंग का कुछ नहीं है, उसमें डायरेक्शन का कुछ वो नहीं है, पर वो चल रहा है। हाँ, चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, वैसे चल रहा है। वो ये वही बात है कि
अब आप उसका ऐसे देखो कि सोशल मीडिया के ज्यादातर यूजर्स है ना जो ये सब ये देखता है, वो मतलब सोशल मीडिया की भाषा में बोलो तो निब्बे होता है, 18 साल की उम्र के, 20 साल की उम्र के, 18 से पहले साल की उम्र के। अब अपन लोग खुद को देख लें एक बार कि देखो अपन 18 साल के थे या उससे कम के थे, 12 से 18 साल की उम्र के, तो ऑब्वियस ही बात है अपन लोग वही सब चीजें देखेंगे, मतलब अपने को वही सब चीजें पसंद आती जो कि एकदम ही, क्योंकि आप लेयरिंग्स नहीं होती ना चीजों में, जब आप छोटे होते हो तो प्यार करते हो तो एकदम मोहब्बत बे इंतहा प्यार, और नफरत तो एकदम ऐसे वाली नफरत, ग्रे शेड नहीं होता वो सब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो अपने को पसंद भी वही सब आता है। और उस टाइम पे क्या है, अगर आप लोग थोड़ी सी मनुष्य समझे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या है, ऑब्वियसली आइडेंटिटी क्राइसिस से अपन लोग भी अगर अपन लोग सोचें तो अपन लोग भी टाइम पे गुजर रहे हैं, हमें पता नहीं होता था अपन लोग क्या है क्या नहीं है। इसीलिए आप अगर आप देखोगे तो VH1 पे बहुत पहले अगर आपको याद हो तो ऐसे MTV पे ऐसे ऐसे सीरियल्स आते थे जिसमें कॉलेज के जो वो होते थे लड़का लड़की, तो एक लड़का होता था वो एकदम ही ऐसे स्टड बना, हमेशा शांत रहता था एकदम ही साइलेंट वो किलर था, एक बंदा होता था जो हमेशा हंसता गाता रहता था, तो वो लोग उस चीज़ अगर आप मनुष्य की समझोगे ना तो वो उस चीज़ को पोर्ट्रे करते थे जिसकी, क्योंकि उनकी ऑडियंस टीन एज थी और टीन एज में आईडी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किस चीज़ से इंप्रेस होंगे, वो उसी चीज़ से इंप्रेस होंगे, उन लोगों से इंप्रेस होंगे जो कि जानते हैं कि वो लोग क्या हैं। और स्पेशली आप कॉलेज में हो स्कूल में हो और आप जानते हो आप लोग क्या हो, तो ये तो मेरा सपना है ना एज अ स्कूल बॉय, मैं तो फिर उसको बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और सेम जो सोशल मीडिया का टिकटॉक के जरिए इसी का मतलब वो चीज़ आ रही है, मतलब इसी की जड़ें हैं सब चीज़ें, कि वही कंटेंट पसंद आता है जिसमें एकदम, मतलब वही है कि अगर आप भी उस एज में जाओ तो उसके मेन यूजर्स तो वही हैं और मेन मार्केट तो वही है, और उनको वही से पसंद आता है कि बिंदास वन है और ये सब चीज़ें हैं, उनको इंटेलेक्चुअल चीज़ें पसंद आएंगी, इंटेलेक्चुअल चीज़ों की एज बात की होगी और बात की एज के कितने यूजर्स हैं, तो वही है कि डिमांड जहाँ पर है वहीं पर ज़्यादा सप्लाई है, तो उसे सोशल मीडिया तो पूरा एक्वायरी कर रखा है निब्बों ने, जो टीन एज है या फिर उससे मेरे ख्याल से 12 से 18 साल के या 20 साल के बच्चों ने ही एक्वायर कर रखा है पूरा, तो चीज़ें भी वही सब आएंगी जो अपने समझ में नहीं आएंगे अपने लगे ठीक है ये सब चीज़ें। हाँ, पर जैसे कोविड के टाइम पे वो सोशल मीडिया, वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो हाँ ये क्या वो हाँ चला था कैरी एक में समय, नटेगा वो, हाँ हाँ, तो ये यूट्यूबरों ने बोला था कि टिकटॉकरों का कंटेंट क्रिंज है। अब वो जो यूट्यूबर बोले थे उनका खुद का कंटेंट क्या था वो भी बताया, मतलब वो तो वो तो निम्बो की दुनिया की लड़ाई हाँ है, उसमें तो क्या ही पड़ा है, मतलब वो तो अलग ही लग, वो तो वही वही बताया ना, अब उनके मानसिकता से होते तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं भाई यार गालिया बकरी या फिर यही कर दिया। रोडीज अपने को बहुत बड़ा पसंद आता था मैं जब छोटा था मुझे ध्यान है, अब मैं देखता हूँ कभी कभार पुरानी क्लिप लगा देखता हूँ, मुझे लगता है क्या चल रहा है यार ये, पर उस टाइम ऐसा लगता था वाह यार ऐसे ही बोल दिया, हाँ क्या बात है ये सब चीज़ें कर दी, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि आप उनकी मानसिकता में जाके देखोगे तो मेन यूजर्स तो वही है, तो वही राजा है इस दुनिया के, तो उनके ही चलेगा सब चीज़ें। तो जाकिर खान ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिया था कि जब इंटरनेट आया था ना तो एक कुछ कुछ अच्छे इंटेलिजेंट लोग थे, एक दो चार इंटेलिजेंट लोग इस शहर में बैठे हैं, दूसरी 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 दुनिया में बैठे हैं, तो उन्होंने आपस में संपर्क करने के लिए इंटरनेट रखा। और पहले क्या है तो थोड़े कम इंटेलिजेंट लोग होते थे, बेवकूफ़ से लोग होते थे, थोड़े पीछे रहते थे कि भाई इनको भी बोला था अपन तो पीछे रहते हैं थोड़ा, और वो इंटरनेट लाए ताकि एक दो इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट कम्युनिकेट कर सकें, पर फिर उन जो बेवकूफ़ लोग थे उनको भी लगा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं कम्युनिकेट कर, और फिर और क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने जब यूज़ करना स्टार्ट किया इंटरनेट तो जो ब्रेनी लोग थे वो बेचारे पीछे हो गए, तो उन्होंने पूरा मार्केट बना दिया उस चीज़ का, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ना कहीं ज़्यादा, तो मतलब वही सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो ये डिमांड सप्लाई का खेल है, निब्बों में जहाँ डिमांड है वहाँ पर सप्लाई भी है उस कंटेंट की, फिल्म कंटेंट की। अब जैसे ये जो स्टार मेकर करके ऐप है जिसमें गाते हैं लोग, उसकी अपने फादर्स की जनरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अपने बोलेगा ये क्या चल रहा है कुछ भी चल रहा है, पर अगर आप उनकी मानसिकता से सोचोगे तो उनके लिए तो कितनी बड़ी बात है यार, आप गा पा रहे हो मोहम्मद रफ़ी के गाने, किशोर दा के गाने आप गा पा रहे हो, और आपकी आवाज़ सुनने में भी बड़ी अच्छी लगती है,
सडनली हम देखते लाइक्स और कमेंट्स भी आ जाते हैं इतने सारे, तो आपको लगता है वाह यार अपन तो स्टार बन गए, तो उनकी डिमांड उसमें ज़्यादा है उस ऐप की, तो मतलब वो ये कि अपने लिए वो भी क्रिंज है। तो वो आप मानसिकता में देखोगे तो सोशल फैक्टर्स वगैरह ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, जनरेशन गैप। तो वो ये कि मेरे को, मैं तो ऐसा कुछ बुरा तो नहीं मानता हूँ उसको भी, मतलब ये सब आपकी समाज की, मैं कह रहा हूँ ना समाज का दर्पण है ये सब चीज़ें, आपको समाज इन सब को देखकर आपको पता पड़ जाएगा आपका समाज कैसा है। तो वो ही है मतलब बस। हाँ मतलब क्रिंज कहने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक उसके पहले क्या उसका बैकग्राउंड है। हाँ एग्जैक्टली exactly. सबसे ज्यादा टिकटॉक का कौन ज्यादा देख रहा है, सबसे ज्यादा जो इसको वर्किंग क्लास बोलते हैं। हाँ बस बस बस, और यही ऐप जैसे जो ऐसे ऐसे Z5 ऐप है, फिर उल्लू ऐप है, सॉफ्ट पॉर्न जैसे दिखाते हैं, इसमें भी यही तबके के लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो वो ये कि उनके यूजर्स ही वो हैं, तो अपन लोग इस पे ऐप को कैसे जज करें, डिमांड तो है मतलब। तो मतलब वो ये समाज का दर्पण है, तो समाज कैसा है वो सिनेमा से पता पड़ जाता है, या जो भी चल रहा है वीडियो उससे पता पड़ जाता है। अच्छा चलो वापस अपने बिट्टू मूवी पे आते हैं इसके। हाँ तो इस तरह की मूवीज के लिए अब लगता है क्या कि थोड़ा सा जैसे ये जो फंडिंग का या जो प्रोडक्शन का बोलते हैं अब वो थोड़ा सा कम इजी हुआ है मिलना? हाँ मतलब मुश्किल तो अभी भी है फिल्म मेकर के लिए। हाँ मुश्किल तो अभी भी है वैसे, जैसे प्रोडक्शन मिलना मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ, तो मुश्किल तो है काफी प्रोडक्शन मिलना, क्योंकि बात भी सही है कि आप एक प्रोड्यूसर की नजर से देखोगे तो यार आपको ये नया बंदा है वो उसको भरोसा करके इतने लाखों रुपए क्यों लगा रहा है, उसकी प्रोफाइल क्या है वगैरह वगैरह, तो आपको थोड़ी बहुत प्रोफाइल पहले बनानी पड़ती है क्योंकि ऐसी फिल्मों से बन जाती है बिल्कुल ऐसी फिल्मों से। और छोटे शहर में रहने का फ़ायदा ये है कि जैसे जयपुर में रहने का फ़ायदा ये है कि मेरे को लोग मिल जाते हैं, अच्छे एक्टर्स मिल जाते हैं, लोकेशन मिल जाती है अच्छी अच्छी बहुत कम बजट में। यही मुंबई में होता है, खैर मेरे को मैं अगर शूट कर रहा होता ट्रैफिक में तो कोई ना कोई आ ही जाता है, हाँ भाई परमिशन क्या है, तो कैफे अगर कोई लेता तो मेरे को बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वहाँ पे इंडी लेवल पर शूट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे शहर में शूट करना थोड़ा ज़्यादा ही आसान है। और तो पर प्रोड्यूसर मिलना तो मतलब पहले से ज़्यादा ऑफिस अगर पहले की उससे देखना ईजी है, बट फिर भी मुश्किल है, इतना ईजी भी नहीं है। तो मुश्किल तो है पर मतलब मुझे तो लग रहा है फिलहाल, जब मैं समझ पर शायद पहले और भी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, पर अभी भी है। अच्छा इस तरह की मूवीज का जैसे रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, अगर जैसे आपको प्रोड्यूसर नहीं मिलता है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसके पीछे नहीं है, तो फिर आपके पास एक शायद नेट ही बचता है ऑप्शन, आप वहां से ही जितना भी अर्न होता है वो वहीं से कर सकते हो। हां इसका मतलब अभी भी इंटरनेट से आ रहा है, रेवेन्यू मॉडल नहीं है, पैसे वाइज तो कोई रिटर्न नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अभी फिलहाल की कोई रिटर्न आ जाएगा। मतलब अभी जैसे व्यूज आने लग गए तो थोड़ा बहुत आने लग गया रिटर्न, शायद इसे एंटरटेनमेंट डालते होंगे लोग अपने कि भाई लोग बात देखें तो थोड़ा पैसा भी आया अगले दिन बनाने के लिए। तो वही है कि मतलब यूट्यूब से ही आ रहा है जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत पैसा, पर इट्स मतलब हार्ड कोर वो है मतलब जॉब है वो ही। अगेन भले से आप अब BTS बिहाइंड द सीन दौड़ने तक गए किसी फिल्म पर, अगर वो फिल्म बुरी बन गया तो क्या पता डायरेक्टर ट्राइपैड हो गया, क्या पता वो किस हालत में उन लोगों ने शूट किया, अपने लोगों को मतलब नहीं है इससे, अपने लोग भी तरह अच्छे लगते हैं अपन देखते हैं नहीं अच्छे लगते स्किप मारते हैं। और ये चीज़ कर्स भी है ब्लेसिंग भी है, ब्लेसिंग ऐसे कि आप हमेशा साफ रहते हैं, आपको होना ही पड़ेगा साथ वरना आप टिक नहीं पाओगे, तो ये तो है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, पैसा तो फिलहाल नहीं है, प्रोफाइल ही है बस, इसके आधार पे पैसों की डिमांड है बस, कि डिमांड करेंगे इसके आधार पे पैसों की, ये अगली फिल्म हमारी ये है तो ये पिक्चर बना रखी है हमने, तो ऐसा है तो आप इतना पैसा दे दो हमें, तो वही होती ऐसी डिमांड होती है बस। इसके बाद कुछ आया रिस्पॉन्स किसी प्रोडक्शन हाउस का? हाँ मतलब बातें हैं बातें करते हैं, तो खैर वो मतलब कोशिश तो कर ही रहा,
आ जाता है, पर ये बात है कि इस नहीं फिल्म से पर थोड़ा बहुत जैसे भरोसा एक ज्यादा होता है है ना, लोगों एक का। आप, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एक आपने कंटेंट बना दिया तो हाँ, उसके बाद आप इजीली आप पहले बताओ से ज्यादा पांच हो, फिल्म काफी अगले साल ज्यादा हो बना गया। सकते हो। हाँ पहले मतलब पहले भी मैंने जैसे 5 फिल्में बनाई हैं, उससे पहले पता नहीं ऐसे स्केचेस बनाते थे हम लोग, कॉमेडी स्केचेस, आपस में एक्टिंग कर लिया करते थे। 50 से ज्यादा एड्स लिख दिए, 12-15 गाने लिख दिए, बट अब ये फिल्म थोड़ी बनी है अच्छी, तो अब इसके आधार पर अब थोड़ा भरोसा जनरेट होता है सामने वाले का। ऑब्वियसली अब सही बात है, कोई अगर पैसा दे रहा होगा तो वो ये तो देखेगा कि उसमें कैपेबिलिटी है भी या नहीं, तो इससे थोड़ा आसान हो रहा है अब ये बात है कि मैं सर उठा के बात कर सकता हूँ, देखो मेरे ये काम है यहाँ पर मैंने पोस्ट कर रखा है हॉटस्टार पे, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो अब मैं ये बात बिल्कुल कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि मेरे को इतना बजट तो चाहिए एटलीस्ट, तब जाके मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है उसका तो फर्क आया, और लोग सुन भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा का मजाक, लोग बात सुन ले रहे हैं बात कि हाँ यार इसने इतना बनाया तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा इसने, तभी ऑब्वियसली बात है कि यार कोई काम निकल जाता है तो सेंसिबिलिटी तो समझ में आ जाती है लोगों को, तो फर्क तो पड़ा है इसका। अच्छा इस ये कितने मिनट का मूवी है, शॉर्ट मूवी ये 20 मिनट की मूवी है, 20 मिनट की, और इस पूरे मूवी को शूट करने में कितना टाइम लगा? 5 दिन लगे थे शूट करने का, 5 दिन। और बाकी प्री और इसका प्रोडक्शन पोस्ट पूरा प्रोडक्शन का। ओवरऑल मेक फिल्म मेकिंग का प्रोसेस देखें हाँ तो तो कितना टाइम वो लगा? ये काफी टाइम लग गया, मतलब वो तो मैं जान बूझ के गिनता नहीं हूँ, ये डीमोटिवेशन होता है थोड़ा, बट ऐसा है जैसे 1 महीना तो लोकेशन ढूंढने में लग गया, फिर फाइनली ऐसी लोकेशन मिली, कुछ लोगों ने कृपा कर दी, मतलब ऑब्वियसली ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा फरिश्ता आता रहता है अपनी लाइफ में, तो मेरी भी टीम में सभी लोगों ने इतनी हेल्प करी, और तो ऐसा घर भी ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल था, तो वो ये कि कुछ लकीली ऐसे कुछ लोग मिल गए जिनका घर पे ऐसे शूट कर लिया मैंने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो ये कि पढ़ना तो 1 महीने तक तो घर नहीं मिल रहा था, फिर उससे पहले राइटिंग करनी थी, और इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में भी एडिटिंग जैसे मैंने ही करी इसकी, फिर एक जो जिसका DOP है तरुण, उन्होंने भी फिर थोड़ा फाइन ट्यून किया ऐसे ही, फिर म्यूजिक में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे गाना मिल नहीं रहा था इसका बीच का, तो इंडिपेंडेंट फिल्म में तो बहुत टाइम लगता था, मेरे को 4-5 महीने लग गए थे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जबकि है 1 महीने का प्रोसेस, अगर पैसे वैसे सब होते हैं सबको दे सकता हूँ पैसे, तो 1 महीने का प्रोसेस है, अभी तो मैं सबसे मदद ही मांग सकता हूँ, तो मतलब वही 4-5 महीने तो लग गए थे इसमें करते करते, पर है नहीं इतना लंबा प्रोसेस है, तो मतलब यही है एक बस। चंकी शॉर्ट मूवी बनाने के लिए 20 या 10 मिनट की भी आपको महीना भर या 2 महीना तो चाहिए। हाँ डिपेंड करता है, जैसे इसकी एडिटिंग में मैं ही कर रहा हूँ, मैं एडिटर नहीं हूँ, पर मेरे पास पैसे होते तो मैं एडिटर से करवाता, तो वो 2 दिन में करके देता, वही मुझे 1 महीना लग गया छोटा छोटा बारीकी से देखना ये सब चीज़ें करना, तो वही है कि टाइम तो लग ही जाता है, फिर म्यूजिशियंस को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था कि किसी का बजट नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था इतना, फिर मैं कहीं और गया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है अगर यही पैसा होता तो मुझे पक्के तो 1 महीने का काम था, इतना भी मुश्किल काम नहीं था, मतलब फिल्म बनने के बाद कोई बहुत आपको पता होता है कि ये चीज़ें करनी है, तो लोग नहीं मिल पाता, आप सब चीज़ें आप नहीं कर सकते ना इसमें, पर वही है कि इसलिए टाइम लगता है कि सब चीज़ें आप ही कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो यही है इसलिए टाइम लग जाता है बस। अभी ये फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ कि कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, कितनी मूवीज हाँ में आई है ये। हाँ जी, ये फिल्म फेस्टिवल एक शॉर्टेड फिल्म्स करके एक है, मैंने उस पर ऐसी पार्टी लिया था, मेरी कलीग है उन्होंने मेरे को बोला था कि इसमें तो उसमें अच्छी अच्छी फिल्म आती है, तो मैंने कहा ठीक है पार्ट ले लिया था, मैंने थोड़ी व्यूअरशिप मिल जाएगी, अच्छे ऑडियंस आती है उधर तो अच्छे ऑडियंस के लोग देखेंगे, तो मतलब फिल्म से रिलेटेड ऑडियंस आती है, तो वहाँ पर ये होता है मूवी ऑफ द डे, मूवी ऑफ द मंथ, मूवी ऑफ द ईयर, 3 वो मिलता है, तो ये मूवी ऑफ द डे और मूवी ऑफ द मंथ बन गई थी फिल्म बिट्टू, और मूवी ऑफ द ईयर के लिए 9 फाइनलिस्ट रखने फिल्म में, तो ये 9 फाइनलिस्ट में आ गए थे ये, तो ये मतलब क्योंकि अच्छा फेस्टिवल है यहाँ पर, ऐसी ऐसी फिल्म आती है जो
जिसमें सारे नॉन फेसेस ही होते हैं। नसरुद्दीन जैसे इसमें नौ फाइनलिस्ट में एक नसरुद्दीन शाह की फिल्म थी, एक दिया मिर्जा की फिल्म थी, तो ऐसी लोग ऐसी फिल्मों के बीच में आना इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए उसकी फिल्म आना, मतलब अगर इसका एक्स अमाउंट में शूट हुई है फॉर एग्जाम्पल बिट्टू, तो वो कम से कम 20x का शूट हुई होगी अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी नोन फेस, विदाउट एनी बजट, एक फिल्म का एक ऐसी फिल्मों से टक्कर ले जाना या ऐसी फिल्मों के साथ आना, तो यही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि अरे ये कहीं ना कहीं एज अ फिल्म मेकिंग की जीत होती है कि इतनी बड़ी फिल्मों के बीच में रास्ता बना लिया उसने, तो यही बड़ी बात थी। तो ये उसमें आई थी 3,000 फिल्मों में से 9 फिल्मों में से एक बिट्टू थी, तो बस मूवी ऑफ द ईयर नहीं मिला उसको, बट ठीक है यहाँ तक आ गए, वही मेरे को उम्मीद नहीं थी यहाँ तक भी आ जाएगी। हाँ, तो इस तरह की जब किसी कोई बहुत ही इंडिपेंडेंट या जो नया फिल्म मेकर होता है वो फिल्म बनाता है और सेलेक्ट होती है, तो उसका जैसे इम्पैक्ट जैसे तुम्हारे पे जैसे क्या पड़ा है, इससे अलग कॉन्फिडेंस तो आता होगा कि और आगे काम करने के लिए भी फिर आपको ताकत भी मिलती होगी। ऐसे ही है, सब लोग समझना स्टार्ट, मतलब ऑब्वियसली जो फिल्म फ्रेटर्निटी है यहाँ जयपुर की, सबको थोड़ा पता पड़ा कि यार ये फिल्म बनी है, उन्होंने देखी फिर उनको पता पड़ा मेरे बारे में, और मेरी भी प्रोफाइल बनी, मैं भी भेज सकता हूँ कि देखो यार 3,000 फिल्म में सेलेक्ट हो गई है मेरी फिल्म, तो इम्पैक्ट तो बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है कि मोटिवेशन भी मिलता है, और ऐसा खुद को भी बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है कि ठीक है चलो अब आ रहा है फिल्म बनाना, ऐसा नहीं है कि अब कुछ भी बना रहा हूँ, अब मेरे को पता पड़ रही है, साइंस पता पड़ रहा है, और ये उस बात का कहीं ना कहीं सबूत होता है कि ठीक है मैं तो सोच रहा हूँ सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाता है, कंफर्मेशन मिलता रहता है कि लोगों को पसंद आ रही है ऐसे सेलेक्ट हो जाना, तो वही है कि फर्क तो पड़ता है उसकी बात है, कंफर्मेशन मिलता है मतलब आपको कि हाँ सही सब सही जा रहा है, वेरी गुड करते रहो ऐसे ही सही डायरेक्शन में तो जा रहा हूँ एटलीस्ट मैं। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे फिर शायद अपन अपनी इस बात को खत्म करते हैं। एक तो ये मूवी देखेगा तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या मैसेज ऑडियंस लेके जाएगी? मैसेज मैसेज ये है कि मतलब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की तरफ ज़्यादा रखा था, रियलिटी ओरिएंटेड की तरफ ज़्यादा रखा था कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ दिक्कत है, मतलब ये एक मैं छोटी सी एक बस उससे कहना चाहूँगा कि जावेद अख्तर का इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें एक बहुत पहले एक वो बता रहे थे एक मैगजीन आती थी बहुत पहले जिसमें कलाकारों के बारे में आता था, कभी राइटर्स के बारे में कभी किसी के बारे में, और उनकी जीवनी आती थी थोड़ी बहुत, तो बोल रहे थे कि एक राइटर्स की एक मैंने पढ़ी थी मैगजीन जिसमें राइटर्स के बारे में था, और मैंने शुरू से एंड तक वो पूरी मैगजीन पढ़ी, और सभी की कहानी में कुछ ना कुछ उनके साथ अन्याय हो रखा था, या तो हो रहा है या कभी हुआ था या कभी जवानी में हुआ था अन्याय, तो वो ये बता रहे थे कि यार ये कौन है जो कि अन्याय तो सबके साथ हुआ है, तो ऐसे कौन है जो अन्याय करता है, तो आपको ना, तो वो कहने का मतलब ये था कि एक ही साइड थी कहानी की, आपके साथ अन्याय हुआ है ये तो आप देख लेते हो, पर आप भी सबकॉन्शियसली इनडायरेक्टली लोगों के साथ अन्याय करते हो, आप कभी वो पहलू नहीं देखते, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने डिसेबिलिटी तो दिखाई है, बट मैंने डिसेबिलिटी का भी एक दूसरा पहलू भी दिखाया कि है ना, आप भी अगर साइड के उस साइड होते ना नॉर्मल साइड होते ना, तो आप भी शायद वैसे ट्रीट कर रहे होते डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा आपको लगता है दुनिया आपके साथ ट्रीट कर रही है, तो क्वेश्चन इज ऑन यू ऑल्सो, और सब लोग तो रियलिटी ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, खुद की डार्क रियलिटीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा सिंपथेटिक होते हो, अच्छी बात है अपने लिए, बट आप रियलिटी ओरिएंटेड भी रहना चाहिए, आप भी कई जगह बुरे बनते हो बुरे होते हो, तो ये मेरे ख्याल से ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये मेरे ख्याल से मैं इसमें थोड़ा कामयाब हो पाया हूँ ये दिखाने के लिए, जो कि मुझे बहुत टेंट भी करती है कि जो रियलिटी वाली एक्सेप्टेंस होती है ना कि कोई सही गलत नहीं होता, आप भी कभी कभार गलत होते हो, तो मैंने ये चीज़ दिखाने की इसमें कोशिश करी है, रियलिटी और ये एक्सेप्टेंस की जो लाइन होती है ना, जो कि मेरे को लगता है थोड़ी बहुत कामयाबी से आ चुकी है।
अब वो ये कि मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिल्म देखोगे ना तो पता पड़ेगा एंड में कि क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मैसेज मैं ये देने सोसाइटी जा रहा हूँ का कि बनावट ही ऐसी है कि आप कहीं ऑपरेशन हो रहा है तो कहीं आप ऑपरेटर हो, कहीं आप कोई ऑपरेशन हो रहा एग्जैक्टली 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 है। अच्छा इसको कहाँ देख सकते हैं इसका, अगर तुम बता दो थोड़ा सा। का है नाटक फिल्म्स करके एक है, नाटक पिक्चर्स करके यूट्यूब पे चैनल है। यूट्यूब पे हाँ नाटक पिक्चर्स, उसको बिट्टू नाम है का, तो वही मिलेगी आपको। ये माध्यम जैसे तुमने क्यों चुना और उसके कारण क्या थे फिल्म अच्छा का? ये ऐसे ये माध्यम तो मैंने नहीं चुना था वैसे, तो ये अपना भी जिंदगी में आ गया। मैं पहले म्यूजिशियन था, गाने बनाना, लिरिक्स लिखना, कंपोजिशन करना, मुझे कहते आर्ट जो होती है ना वो लेते का एक्स वे ऑफ एक्सप्रेसिंग होती है। तो मैं धीरे धीरे राइटिंग में आया और फिल्म लिखने लगा, और फिर मजबूरी में मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करनी पड़ी। लॉकडाउन में कोई था ही नहीं यहाँ पर, मुझे फिल्म बनानी थी, मैंने खुद ही डायरेक्ट करी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं अपनी बातें क्या लोगों को बता पा रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। डायरेक्शन में क्या सब होता है, आप एक्टिंग के एक्टिंग म्यूजिक डांस या कलर्स विजुअल्स इन सबको मिलाकर आप एक चीज कहानी कहते हो। तो मुझे ये बड़ा अच्छा फीलिंग आई, मेरे को ऐसा बड़ा तृप्ति मिली कि यार मैंने अपनी बात कह दी, अपने जो इलीगल थॉट्स होते हैं वो कहानी के जरिए बताया, और दुनिया को ये बताने की कोशिश करी देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, देखो मैं फिल्मों में ये सब चीज़ें नोटिस करता हूँ, देखो मैं करेक्टर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस करता हूँ। तो ये सब बता एक्सप्रेस करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा था फिल्म मेकिंग के जरिए। मुझे म्यूजिक से भी ज़्यादा मजा आया, म्यूजिक भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी बनाता हूँ गाने वगैरह, बट मुझे जब एक बार मैंने जब राइटिंग डायरेक्शन किया ना तो मेरे को बड़ा ऐसे वो खून लगा, मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही मजा आया मेरे को ये सब चीज़ें करके, बड़ा अच्छा लग रहा था खुद खुद को एक्सप्रेस करने में फिल्म के जरिए। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि फिल्म मेकिंग में नेचुरली इंटरेस्ट आया मेरा, तो ऐसा कोई चुना नहीं मैंने, मुझे लग रहा है कि अपना भी आ गया है ये, अगर हाथ में नहीं आया तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होता। तो अपना भी इंटरेस्ट आ गया, मैंने सोचा नहीं था ऐसे कभी फिल्म में ऑर्गेनिकली जाऊँगा। हुआ मतलब सब कुछ। हाँ मतलब एक्सप्लोर किया तो मुझे पता पड़ा कि यार ये भी होता है वो भी होता है, ऐसे करते करते अपना भी मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा ही मस्त चीज़ है यार, ये तो इसको और वर्क करना चाहिए। तो ऐसे करते करते अपना भी जुड़ता गया सब चीज़ों से। अच्छा जैसे एक गाना मैंने अभी नया बनाया है वो भी सुना रहा हूँ। हम्म।
भी पाओगी तुम, हर पल मैं हूँ तुम भी शिवांग शुक्ला जो बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छे गाने भी बनाते हैं, और अभी इनकी बिट्टू मूवी आई भी है, तो देखो और नए टैलेंट को आप सराहो, सपोर्ट करो, और इस तरह के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग को अगर बढ़ती है तो बहुत तो उसका सोसाइटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इस तरह के नए टैलेंट को भी आगे और काम करने का एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, शुक्ला का भी धन्यवाद, और आगे भी हम लोग इस तरह के सब्जेक्ट पे बात करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू सो मच मेरे को फॉर हैविंग मी।